बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू यूसी लर्निंग ट्यूब। वीवर्स, आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ फार्मेसी टेक्नीशियन के फर्स्ट पेपर का दूसरा हिस्सा। इससे पहले पार्ट वन की वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं। पार्ट वन में वीवर्स हमने 30 तक सवाल हल की थी। हमारे पास सवाल नंबर 31 है, व्हेन टू ड्रग्स इंक्रीज ईच अदर इफेक्ट्स इज कॉल्ड एज। जब दो ड्रग्स एक दूसरे के असरात ज़्यादा करें तो उसी दोस्तों सेनर्जिज्म कहा जाता है। सवाल नंबर 32 है, ओपियाइड्स एनल्जेसिक और ओप्टेन फ्राम। ओपियाइड एनल्जेसिक आमतौर पर दोस्तों प्लांट से हासिल की जाती है, फॉर एग्जांपल ओपियम जो होती है ये पॉपी प्लांट से हासिल की जाती है। ओपियाइड एनल्जेसिक आमतौर पर पेन रिलीव और एनेस्थीजिया के लिए इस्तेमाल की जाती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके हमारे चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें। सवाल नंबर 33 है, ओमिप्राजोल इज़ यूज्ड फॉर। ओमिप्राजोल दोस्तों ये मादी स्टमक के लिए इस्तेमाल की जाती है, हार्ट बर्न के लिए भी ओमिप्राजोल दी जाती है। ओमिप्राजोल दोस्तों इसको प्रोटॉन पम्प इन्हेबिटर PPI प्रोटॉन पम्प इन्हेबिटर भी कहा जाता है। सवाल नंबर 34 है, एमॉक्सिसिलिन आर एक्सक्रीटेड थ्रू। एमॉक्सिसिलिन एंटीबायोटिक वीवर्स ये आमतौर पर इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर यूरिन लगेगा, एमॉक्सिसिलिन आर एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। इसी सवाल के साथ वीवर जी भी याद रखिए कि एमॉक्सिसिलिन एज पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स। क्वेश्चन नंबर 36 है, आइडियोसिंक्रेसी एज अनयूजुअल रिस्पॉन्स टू अ ड्रग ड्यू टू एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जब एक ड्रग्स अनयूजुअल रिएक्शन पैदा करती है दोस्तों तो उसे ADR एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहा जाता है। सवाल नंबर 37 है, गॉल्जी अपरेटस इन द सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। गॉल्जी अपरेटस दोस्तों ये क्या करती है, गॉल्जी अपरेटस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। सवाल नंबर 38 है, विटामिन ए इज़ स्टोर्ड मेनली इन द लीवर। यहाँ पर लीवर लिखा जाएगा, विटामिन ए लीवर में स्टोर होती है। इसी सवाल के साथ ये भी याद रखिए, आपसे इंटरव्यू या टेस्ट के दौरान इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि द अदर नेम ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का दूसरा नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए की फंक्शन नेचुरली इलनेस और इन्फेक्शन से डिफेंस करती है, इससे हमें बचाती है। सवाल नंबर 39 है, मार्फिन इज़ अ टाइप ऑफ। मार्फिन ये टाइप है ओपियाइड एनल्जेसिक की, जिसे नारकोटिक एनल्जेसिक भी कहा जाता है। मार्फिन का इस्तेमाल भी याद रखिए, नारकोटिक एनल्जेसिक और ओपियाइड एनल्जेसिक ये आमतौर पर सीवियर पेन के लिए इस्तेमाल की जाती है, सीवियर पेन को कंट्रोल करने के लिए। सवाल नंबर 40 है, मायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। मायोलॉजी दोस्तों ये लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, माइस का मतलब होता है मसल्स और लॉजी मुतालिया या स्टडी को कहा जाता है। मायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मसल्स। यहाँ पर दोस्तों ये तो रहा मायोलॉजी, लेकिन आपने वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझे बताना है कि मायोकॉलॉजी किस चीज़ की स्टडी को कहा जाता है। सवाल नंबर 41 में लिखा है कि इन्फेक्शन ऑफ द बोन इज कॉल्ड। बोन के इन्फेक्शन को ऑस्टियोमायलाइटिस कहा जाता है, ऑस्टियोमायलाइटिस। यहाँ पर दोस्तों एक बात मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ कि आजकल जो फार्मेसी टेक्नीशियन हो, लेबॉरेटरी या हेल्थ टेक्नीशियन, इसकी असामियाँ जो आ रही है। पहले ज़माने में ऐसा होता था 3-4 साल पहले या 5 साल पहले कि जब हॉस्पिटल में कोई असामी खाली होती थी तो बस MS अपनी मर्ज़ी से टेस्ट कंडक्ट करवाता और अपनी मर्ज़ी से उम्मीदवारों की सिलेक्शन करवाता था। आजकल हालात जो है थोड़े से चेंज हो गए हैं। आजकल व्यूअर्स इन असामियों पर भर्तियाँ इन्हीं टेस्टिंग एजेंसियों के ज़रिए हो रही है। आप दोस्तों ने दिल से पढ़ना है, अगर आप टेस्टिंग एजेंसियों का टेस्ट अच्छी तरीके से क्वालिफाई करें, टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले लें तो आपको सेलेक्ट होने से कोई भी रोक नहीं सकता। हमारे पास यहाँ पर सवाल नंबर 42 है, हाउ मेनी थोरासिक वर्टिब्राई आर दियर इन ह्यूमन बॉडी। अगर इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मेनी वर्टिब्राई आर दियर इन ह्यूमन बॉडी तो इसका जवाब होगा 33। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी थोरासिक वर्टिब्राई, थोरासिक वर्टिब्राई जो कि इंसानी चेस्ट में टोटल हड्डियों की तादाद कितनी होती है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो इसका जवाब होगा 12। इंसानी चेस्ट में टोटल हड्डियों की तादाद 12 है, यानी 12।
सवाल नंबर 43 है, विच डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम इनिशिएट अ रिस्पांस नोन एज फाइट और फ्लाइट। यहाँ पर दोस्तों सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम लगेगा। व्यूअर्स, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की दो हिस्से होती है, एक को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है और दूसरी को पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की मिसाल एक कार में गैस पेडल की तरह है, जो कि हमें हिफाजत देती है, ख़तरात से हमें बचाती है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। सवाल नंबर 44 है, विच ऑफ वेंस कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि विच वेन और आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो आपने इसका जवाब देना है पल्मोनरी आर्टरी। सवाल नंबर 45 है, द लार्जेस्ट सिलेवरी ग्लैंड इन द बॉडी इज पैरोटाइड ग्लैंड। व्यूअर्स, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट सिलेवरी ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, तो आपने इसका जवाब देना है कि सबमेंडिबुलर ग्लैंड। सवाल नंबर 46 है, रिनाइटिस इज कॉज्ड बाय। व्यूअर्स, रिनाइटिस ये नाक या गला, नाक से जो पानी बहती है या आंखों वगैरह से, इसकी एलर्जी की एक बीमारी है, ये काज होती है एलर्जिन की वजह से। रिनाइटिस इज कॉज्ड बाय एलर्जिन। वीवर, जैसा कि सी टेस्ट के शुरू में पार्ट वन में हमने बताया था कि फार्मेसी टेक्नीशियन वगैरह का टेस्ट जो होता है, इसकी पेपर कंपोजिशन क्या होती है, पेपर में कौन कौन से सवाल आते हैं, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर वीवर्स DHO दिर अपर में जो असामियाँ आई थी उनका टेस्ट ईटा के ज़रिए लिया गया है। यहाँ पर PHC टेक्नीशियन मल्टीपर्पज़, PHC टेक्नीशियन MCH आप देख सकते हैं, एनेस्थीसिया सर्जिकल, CT पैथोलॉजी BPS 12, CT रेडियोलॉजी, CT कार्डियोलॉजी, ऑप्थाल्मोलॉजी और CT फार्मेसी। यहाँ पर ये तमाम टेक्नोलॉजी जो है इसी का टेस्ट ईटा के ज़रिए लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं पेपर की कंपोजिशन की जानिब के पेपर किस तरह का होता है। यहाँ पर व्यूअर्स DHO जीरा पर की ईटा टेस्ट का फिट रन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वीडियो को स्टॉप करके ऑफ, यहाँ पर पेपर के मुताबिक पेपर में कौन से सवाल आते हैं ये क्लियरली आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं पेपर की जानिब। एक बात याद रखिए कि फार्मेसी टेक्नीशियन के टेस्ट के साथ साथ आपने बेसिक कंप्यूटर के MCQs को भी स्टडी करना है। कंप्यूटर साइंस के MCQs से भी 10 या 5 सवाल जो है वह भी आ सकते हैं। हमारे पास सवाल नंबर 47 है, विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिसीव इंफॉर्मेशन, डेंड्राइट। यहाँ पर डेंड्राइट लिखा जाएगा, डेंड्राइट ये न्यूरॉन की रिसीविंग पार्ट है। सवाल नंबर 48 है, विच पार्ट डिटेक्ट्स चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। इंसानी दिमाग की वह पार्ट्स हाइपोथैलेमस है। सवाल नंबर 49 है, रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू प्रोटीन हेमोग्लोबिन। यहाँ पर प्रोटीन हेमोग्लोबिन लिखा जाएगा। सवाल नंबर 50 है, द ब्लड इज फिल्टर एट, खून कहाँ पर फिल्टर होती है, ग्लोमेरुलेमी। सवाल नंबर 51 है, डोपामिन इज गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, डोपामिन ये दी जाती है हाइपोटेंशन, जिसे लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है हाइपोटेंशन के लिए और लो कार्डिक आउटपुट के लिए। सवाल नंबर 52 है, एंटागोनिस्ट फॉर मॉर्फिन इज। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि एंटागोनिस्ट किसे कहते हैं। पुश्तों में जान लीजिए, एंटागोनिस्ट आगा शेद है चिदबली दवाई असर ख़त्म की, वह दवाई जो दूसरी दवाई के असरात को ख़त्म करे एंटागोनिस्ट कहलाती है। मॉर्फिन की असर को ख़त्म करने के लिए एंटागोनिस्ट नेलोरफिन दी जाती है। यहाँ पर एक अहम बात ये भी याद रखिए कि मुख्तलिफ़ किस्म की टेस्टिंग एजेंसियाँ मुख्तलिफ़ अकसाम की टेस्ट कंडक्ट करती है। कुछ टेस्टों में फार्मेसी का हिस्सा जो होता है ये 30 से लेकर 40% तक होता है, बाकी 50% हिस्से के सवालात अंग्रेज़ी, जनरल नॉलेज, मुतालिया पाकिस्तान और इस्लामियात की होते हैं। हमारे पास सवाल नंबर 53 है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंजाई स्कॉट, माइकोलॉजी। यहाँ पर इसी क्वेश्चन का आंसर मैंने कमेंट्स में भी पूछा था आपसे। सवाल नंबर 54 है, द नेम ऑफ मेन हार्मोन विच इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लूकागन। वह हार्मोन जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाती है वह ग्लूकागन है। सवाल नंबर 55 है, द एंजाइम फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन द स्टमक इज कॉल्ड पेप्सिन। सवाल नंबर 56 है,
द कंट्रेक्टाइल यूनिट इन द स्केलेटल मसल इज सरकोमियर. सरकोमियर इज द बेसिक कंट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ मसल्स. यहाँ पर दोस्तों सरकोमियर लिखा जाएगा. सवाल नंबर 57 है, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज कॉल्ड कैल्सिट्रियल. एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज कॉल्ड कैल्सिट्रियल. इसी सवाल के साथ दोस्तों ये भी याद रखिए कि द अदर नेम ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी का दूसरा नाम कैल्सिफेरॉल है. इसके अलावा दोस्तों ये भी याद रखिए कि सन रेज, सूरज की शुआई जो होती है ये मदद देती है हमारे जिस्म को विटामिन डी की बनाने में. सवाल नंबर 58 है, बफर्स और मिक्सचर ऑफ, बफर्स ये मिक्सचर होती है वीक एसिड और कंजुगेटेड बेस की, वीक एसिड या कंजुगेटेड बेस की, या मिक्सचर ऑफ वीक बेस और कंजुगेटेड एसिड की. सवाल नंबर 59 है, व्हाट इज कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन सोमाट्रोपिन को कहा जाता है. और हमारे पास दोस्तों फार्मेसी टेक्नीशियन की इसी टेस्ट का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 60 है कि द अपर टू चेंबर ऑफ द ह्यूमन हार्ट आर कॉल्ड एट्रियम. ये भी याद रखिए कि द लोअर टू चेंबर ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड, लोअर टू चेंबर को दोस्तों वेंट्रिकल्स कहा जाता है. तो दोस्तों ये रहा हेल्थ डिपार्टमेंट के फार्मेसी टेक्नीशियन टेस्ट का मुकम्मल पेपर. वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.